फाइनली आ चुके हैं यहाँ पर। और ये रहा भैया खतरनाक 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 बहुत ही शानदार स्पोर्ट्स खरगोन और ये रहा कबड्डी और इस तरह बैडमिंटन होगा। अभी हम आए हैं सनावत में अपने मित्र के रूम में और यहाँ पर मतलब ऐसे ही मतलब यहाँ रेस्ट करेंगे देख रहे हो। और अभी खाना माना खाते हैं, 7:30 बज चुकी है तो मित्रों के यहाँ चलते हैं और दिन कल दिन से मतलब कबड्डी खेलने जाएंगे खरगोन। क्या चाबी दे रहा है ना वो बोल देवेंद्र भैया के रूम पे रुके थे, सिन्हा सिटी में भी उपलब्ध हैं। और कुछ क्षण के बाद हम मतलब जाएंगे भंडारा खाने और वहीं से भंडारा खाने के बाद यहाँ रेस्ट करेंगे रूम पे और कल जाएंगे खरगोन कबड्डी खेलने। तो आप रेवा गुजर में टक्कर लेने जाएंगे, अभी मतलब नाइट में हम थोड़ा कबड्डी खेलने जाएंगे वो अपोजिट टीम के साथ में, जहाँ मेट में होगा आगे देखने को मिलेगा। ये भैया भाईपल के खिलाड़ी अरुण, अरुण नाम पूरा क्या है आप? अरुण सोलंकी। अरुण सोलंकी, चलिए वहाँ पर चलते हैं। चुके हैं सिनावत के मेन रोड पर इंदौर खंडवा हाईवे पर और अभी हम चलेंगे मतलब कहीं खाने मतलब ऐसे रेस्टोरेंट में चलते हैं वहाँ पर। ओ भाई साहब यहाँ प्रैक्टिस करेंगे नाइट को भाई सिनावत सिटी। हाँ यार भाई हाल यार भाई कबड्डी का ग्राउंड है, शर्ट चेंज करते हैं कपड़े चेंज करते हैं वो तैयार हो जाते हैं। फिलहाल सनावत में आए थे और मतलब यहाँ भी कबड्डी करवाएंगे हमें मतलब प्रैक्टिस मोड है और अभी मतलब 8:30 बज चुके हैं और यहाँ मतलब इनके साथ से प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद कल टुमारो हम वहाँ जिला स्तर पर कबड्डी खेलने जाएंगे। चलिए मतलब अभी से प्रैक्टिस करते हैं। बाइफल का हमारा खिलाड़ी है, इसका नाम है भैया अरुण और अड़ोस पड़ोस गाँव के हैं सर, एक दूसरे से मिले हुए। चलिए वहाँ पर मेरे को बता सोशल मीडिया वो यहाँ से प्रैक्टिस करते हैं रात नाइट को भाई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी मतलब 7 बज चुके हैं दिन के और नेक्स्ट डे है कल के दिन से मतलब अगले दिन टुमारो है आज। तो आज के दिन आज कबड्डी है खरगोन जिला स्तर पर। तो भैया अभी मतलब सब रेडी हो चुके हैं, चाय पानी हम पीने जा रहे हैं मतलब छुट्टा बार बार होटल बेड पर हाईवे रोड पर जाएंगे वहाँ चाय पानी पियेंगे फिर वहाँ से हम अपना सब दोस्तों के साथ कार आएगी हमको कार आएगी लेनी आएगी उसके बाद हम चलेंगे वहाँ पर खरगोन फिर वहाँ पे हम हमारा मैच दिखाएंगे और मैच दिखाएंगे मेट पर जिला स्तर कबड्डी और खरगोन में खरगोन में। चलिए आगे बताता हूँ आपको क्या होगा। फाइनली पहुँच चुके हैं खरगोन उच्चतर मतलब यहाँ पर मतलब कबड्डी हर चीज़ का मतलब प्रैक्टिस होगी। देखिए मेरी कॉम ऐसा कुछ है मुझे और ये रहा फाइनली कितना बड़ा हाल है भाई कितना। वहाँ पर कबड्डी की जाएगी और यहाँ पर मतलब वो बहुत शानदार वो यहाँ पर अतिथि कक्ष यहाँ मतलब जो भी सीनियर आदमी आएंगे वहाँ बैठेंगे और कोच हो जो भी हो जो देखने के लिए आएंगे बाहर से बड़े बड़े व्यक्ति वहाँ बैठेंगे। और पीछे मतलब चेंजिंग रूम है मतलब बाथरूम है सब और यहाँ पर मेन एंट्री गेट
मतलब जो कार्यालय है वहाँ स्पोर्ट पर, यहाँ पर मतलब जो भी बंदे आएंगे उनके कागजात लिए जाएंगे, कहाँ कहाँ से है आइडेंटिटी कार्ड ने सब। फिर यहाँ हमें इसे एंट्री करते हैं, यहाँ है अपना स्पोर्ट है सब। फाइनली आ चुके हैं यहाँ पर, और ये रहा भैया खतरनाक 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 बहुत ही शानदार स्पोर्ट्स खरगोन, और ये रहा कबड्डी, और इस तरह बैडमिंटन होगा। तो यहाँ दर्शकों की भीड़ मतलब यहाँ जमा होगी, मतलब यहाँ से ऊपर से देखेंगे लोग, यहाँ से बैंड था इतना शानदार इतना खतरनाक बैठे कि क्या बताएं भैया। हमारी टीम उपलब्ध हो चुकी है कार्यालय में, हमारा जमा होगा, उसके बाद आधे घंटे बाद यहाँ मैच स्टार्ट होगा। देखिए ऊँट है भाई, लकड़ी है, पत्थर नहीं है कि लग जाएगा भैया। ये भैया खेल परिषद शासकीय स्नातक महाविद्यालय खरगोन, और ये रहा क्रिकेट ग्राउंड, जस्ट वो लिख रहा है, और कबड्डी होगा तो यहाँ पर मतलब मेज क्रिकेट, वहाँ आर्चरी होगी, फुटबॉल, बेसबॉल, खो खो यहीं खेला जाता है। बहुत शानदार ग्राउंड है, ग्रास की कटिंग भी बहुत शानदार है भैया, पिच भी एक नंबर है, देख सकते हो आप। मतलब खरगंडवा जिले, खरगोन जिले में इतने भी गेम स्पोर्ट्स होते हैं, सिंपल यहीं होता है। और आज खरगोन में यहाँ पर हमारा मैच रहेगा, तो भैया की खतरनाक मैच था, और नीचे ना लकड़ी की है, मतलब लगेगी नहीं प्लेयर को, राइट साइड है, मतलब यहाँ से दर्शक देख सकते हैं, आगे मतलब एक बैंड मंडल है, वहाँ गेम भी होगा और कबड्डी होगी, प्लेयर्स भी आए हैं, और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपसे बात करते हैं। तैयार कर लेता है और बाद में कट करके डाल देता है। लाइटिंग की सुविधा है, वहाँ हाल स्टेज है, पंखा भी चल रहा है, बहुत शानदार, सबसे ऊपर में है। ले ओ भाई साहब, थोड़ा वीडियो मुझे बना लेते हैं क्या, लास्ट रेट से 2 मिनट का गेम चे पास, उसके बाद बंद हो दो। बिकनगांव वर्सेस मंडलेश्वर लास्ट फाइनल मैच जिला स्तर, जिले से मतलब जो आदमी को हर जिले में जितने कॉलेज हैं उन सब में, सब में जो जीतेगी उसको चुना जाएगा संभाग के खेलने के लिए। ओ भाई साहब, दो गेंद, एक यक्कड़ आदमी चार लंबो बोलते हैं, नाम खतरनाक प्लेयर क्या प्लेयर है बाबा भाई, ये बिकना होगा लूडा तेरी। ओ भाई साहब तार घूमी को, और 4 राउंड घूम गया वो पूरा। पकड़ पकड़, अरे अरे अरे, बहुत भयंकर पकड़ थी, 84 बज गई। हमारा कबड्डी चल रहा था तो हम इसमें भी हम बाहर आ चुके हैं शाम के वक्त, तो भैया नीर भाई जो भी प्रैक्टिस करने आते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल खेल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो यहाँ पर आ सकते हैं पीजी कॉलेज में। यहाँ पर वो फुटबॉल, टेनिस, फुटबॉल, ये आर्चरी चल रही है भाई, तिरकमान चल रहा है बहुत ही शानदार, और यहाँ एक तरफ क्रिकेट भी चल रहा है, मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हो यार, कोई ये नहीं। फाइनली शाम के 5 बज चुके हैं, और हमारी टीम मतलब हार गई है, और हम मतलब संभाग में नहीं खेल पाएंगे अभी,
तो मतलब हमारा जो टीम के जो प्लेयर था एक रेडर वो चल चुका है, तो उसको अभी संभाग में ले लेंगे, मतलब उसका मतलब प्रैक्टिकल चल रहा है अंदर, हम बाहर आ चुके हैं। तो फिलहाल हम पीजी कॉलेज खरगोन में थे, यहाँ पर हमारा वो हुआ कबड्डी का खेलने का मतलब यह हुआ। और उसके बाद आज का हम लोग यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो लाइक कीजिए और उसके बाद शेयर कीजिए। मिलता है नेक्स्ट टाइम जिम लोग के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।